हाँ जी, किदा फिर। सो गाइस, ये वाली वीडियो मैं काफ़ी देर दी बनाना चाहता सीगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा हौसला नहीं पै रहा सी ये चीज़ा करन नू। लेकिन हुन सनी माल्टन ने कितने ना कितने मेरे च जोश लिया था दोबारा भी गल रखण दा अपनी। लैटर टू गॉड, लैटर टू सिद्धू, वैसे गॉड ही कह सकते हैं, लैटर टू सिद्धू, क्योंकि गॉड ऑफ बॉलीवुड या गॉड ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री कह सकते हैं, जिहड़ा रेवोल्यूशन लिया। बाई कहता भी होंगे गाने उदो किसी टाइम मैं लगता हूँ भी यार हाँ ठीक है, बट हूँ पता लगता भी रेवोल्यूशन एक्चुअली बाई ने जो कहा चीज़ा हुई ने। मैंने काफ़ी सारे कॉमेंट्स आते हैं, 80% पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं कि मैं पुरानी वीडियोज जड़ियाँ देखी उस मैं सिद्धू मूसेवाला का अक्सर जिक्र करता रहना, क्यों करता वह आंसर भी दूंगा। ठीक है, कॉमेंट्स पॉजिटिव की होंगे कि बई सू बहुत वीडियो लगता हर वीडियो में कितना कितने सिद्धू बई की गल करते हो या गाँव चला दें हो, है ना भी सू लगता बई भावें फिजिकली अलाइव नहीं है लेकिन उदा साढ़े नेड़े तेड़े ही है। वैसे भी आप समझते ही आप ग्डी स्पॉटीफाई से कि सौंदे यार, इदा लगता ही नहीं हजे भी बई चला गया जब कि अपना ही लगता हजे प्रेजेंट ही है कितना कितने है वा, पता नहीं लगता कि हजे भी आवाज आ जाए अगर मैं खुद ही हूं सिद्धू मूसेवाला का नाम लेना वा, ठीक है, क्योंकि मैं क्या कि ना बनाओ वीडियो। दूजा क्वेश्चन है, तीजे चौथे क्वेश्चन होर ने, वीडियो एंड तक देखियो। इस तो पहला कोई बाहरला बंदा मैं सवाल करे मैं आप ही आंसर दे देना चीजा का। उस तो बाद गल करते हैं लैटर टू सिद्धू सनी माल्टन ने जो लिखा। मैनू लगता कि इदा सनी माल्टन ने कुछ दिल दी गल्लां करना चाहता है सिद्धू मूसेवाले ने, उन्होंने थोड़ी लड़ाई झगड़ा चलता सी। मैं कहना यार जिते प्यार होंदा उत्थे लड़ाई झगड़ा चलता, क्योंकि उत्थे ना इमोशन हर्ट होंदे आ। बाहरला बंदा तुहानूं धोखा दे जे जां कुछ हो जाए जां माड़ी मोटी गल हो जाए तुहानूं परवाह नहीं हुंदी, जे नेड़े वाला बंदा थोड़ी बहुत भी तुहानूं इग्नोर ही कर दे, तुहाडा मैसेज ही इग्नोर कर दे, उच्च तुहाडी फीलिंग्स हर्ट होंदियां ने, उत्थे प्यार भी हुंदा ना। तां इही मैनूं लगदा करण औजला सनी माल्टन ना मैनूं ऐ लगदा इह सभ नालों प्यार करन वाले सीगे सिद्धू मूसेवाले नूं। इक सिद्धू मूसेवाला भी इहनां नूं बकायदा उन्ना ही प्यार करदा सीगा, ठीक है, ते करण औजला किन्ना डिप्रैशन च ते उन्हें गाने नहीं कढ़े। इदां ही सनी माल्टन ने कुछ गल्लां करनियां होणियां जिहड़ियां उह कह नहीं सकदा, हुण उहदे अंदर घुट रहियां सी गल्लां, अंदर घुट रहियां सी उह किद्दां कढ सकदा सी, उह गाने राहीं वी लैटर टू सिद्धू। उहदा मन हल्का होया होणा, सनी माल्टन दा मन होर हल्का करन लई आपां नूं एप्रीशिएट करना चाहीदा। चलो आ जाओ, मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया सी गाना सुन के, मैं एक दोबारा सुनदिया ते इह गाना मैनूं लगदा कि जिथे नाम सिद्धू दा आया ते आ डेडिकेट ही मैं सिद्धू मूसेवाले नूं वीडियो कर रहा वां, तां आ गाना आपां खड़ के सुनदे आ ना, है ना, स्टैंड खड़े होके ये गाना सुनते हैं। मित्रों, लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। आज असी असी आने सारे ठीक है, असी ये चाहते हैं ऑलवेज भी सारे जने पॉजिटिव रहो, सारे चंगी गल्ला करन। मोस्ट ऑफ अस ऑन सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट नेगेटिविटी। एक तो बहुत वधिया एक ए लग्या भी पुराने क्लिप आ, बाई नूं देख के लगदा ही नहीं भी बाई अपने विच है नहीं गा, फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैगा। मैं उही कहना, मैनूं कोई भी मिलदा कि बाई रहा नहीं, मैं क्या बाई हैगा, फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैगा, वैसे हैगा क्योंकि वो रहना ही है, उन्हें रहिंदी दुनिया तक। ते इहदे विच पुराने क्लिप यूज किए गए, थोड़ा जिहा फील दिंदे आ भी हाँ थोड़ा जिहा खुशी दे रहे अंदर पता नहीं मन नूं। ते सोशल मीडिया की गल कीती आ, हाँ यार नैगेटिविटी है क्योंकि अज दी वीडियो भी मैनूं हौसला पिया बनाउण दा, ते उस तों बाद इह चीज़ नूं लोक नैगेटिव भी लै सकदे ने जां पॉजिटिव भी लै सकदे ने, उह तुहाडे ते ही। इंटरनेट की हवा इन्नी गंदी है ना कि जिहड़ी चीज़ चार जणे ने कहती आ गलत आ तां बाकी उत्ते बिलीव करन लग जांदे ने, क्योंकि इंटरनेट इदां दा ही आ, सोशल मीडिया ते नैगेटिविटी ज़्यादा वा इस टाइम। सिद्धुआं दा मुंडा जिउणा सिखा गया जिन्हां ने आस ही छड्डती सी जीण दी ना, इहदे पिछे सीरीअसली गल इह आ कि काफ़ी लोग मतलब इंटरनेट दे थ्रू बाई नूं देखिया जां विरचुअल देखिया जां गाने सुने, काफ़ियां नूं मैं दस्सिया पॉजिटिविटी मिलदी आ गाने। मैं बड़ा सुनदा उह गाणा जदों मैं थोड़ा डाउन फील करदा ना, मैं ब्लड लस्ट गाणा इक बाई दा बई सदा तकड़े दी हिक विच वज्जिया, जदों मुसीबत आउंदी है ना मैं समझदा वी मुसीबत दे मैं हिक ते वज्जिया बई मैं इहनूं पार करूंगा बई मैं डिगदा नहीं कदे। मेरे ना भी जिंदगी च बहुत पिछे ट्रेजेडियां हो गई भी सिद्धू मूसेवाले बाई के गाने ना कितने कितने पॉजिटिव देंदे पॉजिटिविटी देंदे ते जिउणा सिखा गया। मैं कहूंगा कि जे सिद्धू मूसेवाला कुछ बन सकदा ना जिंदगी च जिहड़े परिवार च उठा तां जिउणा तां सिखा गया भी कोई भी बंदा ड्रीम लै सकदा। मैं पहला वीडियो च गल कीती सी कि मैनूं पुछदे आ तू बाई कदे मिलिया भी हैगा सिद्धू, मैं ना कदे दस्या नहीं भी अज मैं पहली बार दस रहा भी मैं बाई नूं मिलिया सीगा, उदों मैनूं पता भी नहीं सीगा भी मेरा। चलो मैं शॉर्ट च दस दिंदा, जी एन ई कॉलेज नेड़े घर आ मेरा, जी एन ई कॉलेज शूट सीगा बाई दा मेरा, मैं बॉम्बे रहिंदा सी उदों, मैं बॉम्बे तों
वापस आया सी। एमपी रामगढ़िया मेरा दोस्त था जिन मैं स्कूलिंग इकट्ठी की है हरकृष्ण स्कूल। वो भाई कहता मैं मेरे ना दोस्त ने गाने करने हैं, 6 गाने ने ओदे, भाई तू हेल्प करा दे। मैं उदो कोरियोग्राफर हुंदा सी बॉम्बे, मैं आया होया सी घरे ते मैं कहा चल हेल्प कर देना। फिर मेरा भी शूट सी, मैं कहा मैं अपनी यूट्यूब दा वीडियो दा शूट करना ते इत्थे कि तुहानू दिख जूगी आ वीडियो दा शूट करना सी मैं। ए मैं जीएनई दी कंटीन च बैठ के शूट कर रहा इस टाइम 2016 दी गल आ मैनू लगदा या 17 दी। ते फास्ट फॉरवर्ड दसां तां उत्थे असीं शूट करदे सी ते एमपी रामगढ़िया ते शुभदीप सिंह सिद्धू ते उहदे दोस्त सारे मेरा शूट देखदे पए सी उदो। ते मेरा शूट खतम होया कहिंदा भाई शुभदीप सिंह सिद्धू आए, क्योंकि उदो मैनू पता ही नहीं सी नाम सिद्धू मूसेवाला। कहिंदे भाई तुसीं बहुत वधिया करदे हो यार, तुसीं तां एकदम फटाफट डायलॉग बोलदे हो, बई मेरे भी गाने आ, बई मैं निंजे नू गाना। भाई ने एक चीज जरूर कहिंदा हुंदा सी, भाई मैं निंजे नू गाना दित्ता ते ओ मैं लिखिया लाइसेंस गाना। मैं क्या अच्छा। कहिंदा मेरा नाम शुभदीप आ ते भाई हेल्प करा दोगे कोरियोग्राफी च? ते मैं क्या हां जरूर वीरे। ते उदो कहिंदे डांसर भी चाहिए आपां नू, फिर मैं डांस ग्रुप भी लिया के दित्ता सी। मतलब काफी सारी मैमरीज ने। ओ मैं गल तां दस रहा तुहानू, यकीन मन्नियो कि चमत्कार हुंदे ने, मतलब कई लिखा के ही लियांदे ने भी उन्हें तरक्की करनी है जां ओह उत्थे पहुंचना वा। सिद्धू मूसेवाला लिखा के लियाया सी, क्योंकि मैं ग्राउंड लैवल ते देखिया सी ओह बाई नू। ते ओह असीं 6 गाने शूट करवाने सी, 2 गाने मैं करवाए सी। उदो मेरे को चिट्टा बुलट हुंदा सीगा ते बाई ने बड़ी जिद फड़ी सी उदो रात नू, कहिंदा ओह चिट्टे बुलट ते सिंक देने मैं वीडियो दे। एमपी कही जावे यार बाई तू की नहीं चाहिए अपने बुलट वाले सीन, मतलब हुण याद आउंदी है मैमरीज। उदो सवेरे जीएनई कॉलेज शूट सी, फास्ट दसदा यार हुण एक याद आई जांदियां गल्लां दस रहा तुहानू। बाई दा ना एक गाना सी थोड़ा जिहा मतलब देसी टच दा गाना सीगा उदो, ते बाई नू ना मॉडल नहीं सी उहनां कोल। सिद्धू मूसेवाला 6'1" ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਡਲ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਮ ਪੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ? ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਵੀ 1,000 ਚ ਤਾਂ ਔਖਾ ਵੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ 2,000-2,500 ਤਾਂ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਬਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ ਆ ਕਨੇਡਾ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਫੂਸਾਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਜਟ ਆ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਮਾਡਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਡਲ ਗਿੱਠੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਸੀ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਐਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ। ਸਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਸਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਬਾਈ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਡਲ ਲੈਣ ਲਈ, ਗਾਣੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਿਊਮਸਟਾਂਸਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 2016 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 2017 'ਚ ਮੈਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਾਲ ਮਲਾਡ, ਮਲਾਡ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਾਲ 2 ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਡੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਬੇ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਬੇ ਵੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਈ ਦਾ? ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੁਭ, ਸਿੱਧੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਗਾਣੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਨੀ ਮਾਲਟਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਮੋਸਟ ਵਿਊਡ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਲੱਖ ਵਿਊ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਮ ਆ, ਸਹੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਕਰਾ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਨਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੰਮ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਆਏ ਸੀ, 90,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਗਈ। ਬਈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਤੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਚਲੋ।
साफ पता लग रहा भी बाई सनी माल्टन अपने दिल दी गल कर रहे जिड़िया करना चाहता सगा। हूँ मैं इतने गल करदा एक अपने आप फिर मैं सवाल कर रहा जो कमेंटा में देखने मिलते हैं सुनने मिलते हैं शायद जेडे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मन में भी हो मैं ही वीडियो बनाई सी एक शर्म कर रोए उस कुछ यूट्यूबर के नाम से भी तुम उस टाइम से वीडियो बनाई जो नहीं बनानी चाहिए थी अज मैं खुद सिद्धू मूसेवाले की वीडियो बना रहा जहाँ बाकी यूट्यूबर देख रहे हो वो बनाते हैं भी ये सही है गलत है। अज सनी माल्टन बाई ने गाना कढ़िया लैटर टू सिद्धू आपां नूं 1% भी सनी माल्टन लई गुस्सा आया या आपां ऐ कीता भी क्यों बनाया आपां नूं वधिया लग्या कि चल एटलीस्ट उहदी हजे भी गल चलदी पई आ भी किसे ने हजे भी गल कीती आ सनी माल्टन ने भी अपने जो दिल दीआं गल्लां सामने रखियां आपां नूं ऐ तां नहीं हो रहा ना भी उहने क्यों कीता इह भी नाम उहदे व्यूज लै रहा सिद्धू दे नहीं आया ना मन जे आही चीज उह उस टाइम ते बनाउंदा जदों इह घटना होई सी अगले दिन या दूजे दिन बनाउंदा आपां गालां कढ कढ दी बर्बाद कर देना सी सनी माल्टन नूं जे उस टाइम ते बनाउंदा गल समें दी हुंदी आ उह समां उदों नहीं इजाजत दिंदा सी भी उदों इह वीडियो बणाईआं जाण अज के टाइम च जे कोई सिद्धू ते गाना बना रहा वीडियो बना रहा जां उहदी गल कर रहा पॉजिटिविटी की तो वह सियाणी गल कर रहा ते दूजी वह कोई सीख दे रहा ते अलाइव रख रहा सिद्धू मूसेवाले ये जवाब उन्होंने सारे नूं आ जिहड़े कहिंदे वी तूं सिद्धू दे विच चलाउंदा गाने मेरी कोई अटैचमेंट आ एक जिहड़ा जर्क मिलिया सी ना मैनूं लाइफ वह पहली वीडियो तो मिलिया सीगा तो मैं देना नहीं दे सकदा ते जिवें लैटर टू सिद्धू आ मेरा भी लैटर टू सिद्धू ही आ इह बई मैं थैंक यू ही करदा हाथ जोड़ के कि मेरी कितना मैंने एक पहचान मिल गई भी अमन औजला यूट्यूबर है नहीं तो मैं उ बॉम्बे काम कर रहा सी, मैं निगाह चाह ही नहीं रहा सीगा, इंडस्ट्री दे ते कितना कितने मैं एक वीडियो हैल्प करके गई है ता करके मैं लगता कि मेरा ना हक जहा भी मैं ज़्यादा ए गल नहीं करता हूँ बट मैं कितना कितने आप सारे अंदरों करते हैं कि अपना यह हक जा भी आप बोलीए बाई बारे भी उन्होंने याद रखिए वो गाने चलाइए सीरियसली दसा मेरे फोन च हमेशा बी ईशान कैमरे से आप सिद्धू दी गाने चलाने ना जो भी जाइए दूजे गाने सुनी दी यार दो गाने सुन के थोड़ा जहाँ डाउन जहाँ नींद ही होने लग जाती है फिर सिद्धू लाने फिर असं ए चलाने गड्डी भी पता नहीं जेडे काम चाहिए वो भी फतेह हों क्योंकि एनर्जी बहुत आ जाती है खुशी होंगी मुँह से स्माइल आँदी है उत्थे जाके मिली खुश मिलीदा तो गाने इफेक्ट करते हैं सिद्धू के सो ये जवाब से मेरा जो कहते तू आ टाइटल ला के वीडियो बना तो यह जवाब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਕਿਦਾਂ ਰੋ ਹਾਂ ਕਿਦਾਂ ਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣੇ ਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੋ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੋ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਬਰੋ ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰੋ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਮਾ ਸੈਟ ਹੈ ਤੇ ਬਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਖ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਬਰੋ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ क्या बात मैं ये यही कहूंगा भी ब्रो जिन्ना तू मेरे लिए किया किसी ने नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी जाने इदा के इंडस्ट्री चा भी जिन्ना का जस्ट नाम ही पाया सिद्धू मूसेवाला जां एक गाना कोलैब किया जां सिद्धू नू म्यूजिक दिता काफ़ी तो उन्हां दी जिंदगियां सैट ने अज क्योंकि अज दे टाइम ते भी हैशटैग सिद्धू मूसेवाला वायरल होया पिया इस टाइम ते भी गूगल रेटिंग चैक कर लियो हजे भी गाने ट्रेंडिंग विच आ हजे भी काफ़ी प्रोडक्शन कंपनियां नू पैसे दे ही जा रहे भाई जिहड़े गाने पुराने कंपनियां नू गए हुए सही गल आ भी जिन्ना उन्हें किया वो किसी ने नहीं किया दूजी गल कितना कितने फील करता होना सनी माल्टन भी बी अज मैं एक कहूंगा जे तुसी किसी लड़े हो ना तुहाडा प्यारा वा तुसी लड़े हुए हो तुहाडे दिल च गल्लां काफी रह जांदियां देखो इहनूं नहीं मिलदियां हुण करन अगला गाने राही जाहिर कर तां जिहड़ा तुहाडा अपना प्यार नाल उहनूं जरूर मैसेज करो अपना लड़ाई नूं खत्म करके जरूर बुलाओ उहनूं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है यार पता नहीं अजकल तां तुसी देखिया भी अजकल तां रोज नवें तों नवां केस तां करके भी जिन्ना प्यार वंड सकदे उन्ना वंडो भी हेट बिल्कुल ही बंद कर बिल्कुल ही बंद बाकी हेट बिल्कुल बंद करन तों मतलब इह नहीं कि कोई तुहाडे बारे बुरा बोलता था आवाज ना चुप ओदे बारे भी गल की गई है लास्ट बाकी दा ख्याल है जट्टा पर हुण जी नहीं लगदा मेरे छोड़ने दी हिम्मत नहीं रही पर मैनूं तेरी एक गल याद है नेवर फोल्ड नेवर बैक डाउन नेवर फोल्ड नेवर बैक डाउन सो गाइज अज की वीडियो इतने तक ही सी एक मैं वीडियो होर लिखदा पाया उन्होंने टाइम लगना वा वह मतलब मैं एक बायोग्राफी डेडिकेट करना चाहना सिद्धू मूसेवाले की स्टार्टिंग तो लैके बई वो लैजेंड बनने तक का जो करीयर है रेस्ट इन पावर वाला जो करीयर आ की होया मैं सारे मिल रहा जाके उन्होंने भरावान बी पूरी इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करके एक डॉकूमेंट्री बनाना चाहना मैं डेडिकेट करना चाहना उन्होंने टाइम लगेगा 6 महीने भी लग सकते हैं 4 महीने भी लग सकते हैं बी प्रॉपरली वीडियो मैं एक डेडिकेट करना चाहना जिमें सनी माल्टन का जरिया सीगा लैटर टू सिद्धू
ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਓ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਹਿੰਮਤ ਜੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਊਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋਊਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੂਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਗੇ ਪੁੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ। ਇੱਕ ਸਪੂਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੇਮ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਗਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੂਫ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਵਨਿੰਗ 'ਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਤੇ ਤਾਨੀਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਯਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।